इतना बड़ा मुंह में लपेटे हो कपड़ा, कोई दिख नहीं रहा है, खुद की फोटो खींच तुमको दे दे, पहचान नहीं पाओगी, उसके बाद तुमको शर्म आ रही है अपनी बात बोलने में? यहाँ क्या शर्म आ रही है? बड़ी शर्मदार हो तुम, है जी? मुझे अपनी शर्म की नहीं है, मुझे अपनी सेफ्टी की परवाह है। है कहेगी? मुझे अपनी सेफ्टी की परवाह है। हाँ तो ठीक है बेटा, सेफ्टी है, क्या दिक्कत है? कुछ है, मैं नहीं चाहती कि पूरी दुनिया मुझे देखे। देखिए, सबसे पहले ये मजहब का हुक्म अल्लाह का हुक्म है कुरान में चैप्टर 24 वर्स 31 में, और ये हुक्म आपको भगवत ऋग्वेद के अंदर बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 33 में ही मिलता है कि लड़कियां जब बाहर जाए, औरतें जब बाहर जाए, अपने आप को कवर करके जाए ताकि उनकी इज्जत की हिफाजत का एक बड़ा जरिया रहे, गैर उनको ना देखे और गैर उन पर गलत सोच डेवलप ना करें। जिस जगह पर्दा है, जैसा मैं सऊदी अरब रियाद से बात कर रहा हूं, यहां पर खवातीन पर क्राइम सबसे कम है वर्ल्ड में, क्योंकि यहां पर पर्दा है। और हमारे भारत से लेकर अमेरिका तक पर्दा नहीं है, तो आप देखिए कैसी बर्बादी चल रही है। चिन्मयानंद के आश्रम से लेकर आसाराम के आश्रम तक कैसा कैसा वाहियात लड़कियों पर हमले हो रहे हैं और क्राइम में नंबर वन हो गया भारत। तो पर्दे का हुक्म अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से लाजिम हुक्म है, और मर्द के लिए पर्दा यह है कि गैर औरत की तरफ नजर उठा कर ना देखे, और औरतों के लिए पर्दा यह है अपने ऊपर चादरें डालकर बाहर निकले। धार्मिक किताब का रेफरेंस है, कुरान का भी है और साथ में वेदा का भी है, जो हिजाब के खिलाफ है, ना हिंदू है ना मुसलमान है मेरी नजर में, क्योंकि उन्होंने वेदा को भी रिजेक्ट कर दिया, कुरान को भी रिजेक्ट कर दिया। और ये अहकाम हमारी सिक्योरिटी, हमारी बेटियों की बेहतरी के लिए है। मर्द के लिए भी हुक्म है नजरें नीची रखे, वो भी नजरें अगर गैर औरत को देखकर नीची नहीं रखता है तो वो भी बर्बादी की तरफ जा रहा है। लड़कियों के लिए हुक्म है कवर करें अपनी सिक्योरिटी के लिए। आज की तारीख में बोस्निया टर्की की मिसाल आपने दी है, क्राइम रेट देख लीजिए वहां का कितना हाई हो रहा है। क्यों? हिजाब नहीं है। हिजाब रहेगा, क्राइम रेट नीचे आएगा, बेटियां महफूज रहेगी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मेरी माँ एजुकेशनिस्ट है, मेरी बीवी एजुकेशनिस्ट है, हिजाब में रहकर बेहतरीन पढ़ा रही है, इलाज कर रही है। पैगंबर मोहम्मद अजम की भी हजरत आयशा और हजरत खदीजा बिजनेस वुमेन और एजुकेशनिस्ट थी, बेहतरीन तरीके से हिजाब में रहकर जिंदगी गुजारे।